हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे एलिप्स का प्रॉब्लम नंबर 6 और ये बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड ड्रॉ करेंगे। लेकिन आज का वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में उसके साइड में जो बेल आइकॉन है उसको भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के एलिप्स के प्रॉब्लम में क्वेश्चन क्या रहेगा, देखिए क्वेश्चन ये आपके सामने। ड्रॉ एन एलिप्स ऑफ मेजर एक्सिस 120 mm एंड माइनर एक्सिस 60 mm बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड। ऑल्सो ड्रॉ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। तो आइए ये एलिप्स का प्रॉब्लम हम लोग ड्रॉ करेंगे। वैसे ये एलिप्स का प्रॉब्लम नंबर 6 है। इसके पहले हमने ऑलरेडी एलिप्स के 5 प्रॉब्लम्स कवर किए थे। अगर आपने इसके पहले के 5 प्रॉब्लम्स अगर नहीं स्टडी किए हैं तो इसके पहले के सभी वीडियोस का लिंक हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वो सभी वीडियोस को देख के वो सभी 5 प्रॉब्लम्स को स्टडी कर सकते हैं। तो आइए आज का एलिप्स ड्रॉ करेंगे। आज के एलिप्स में जो मेजर एक्सिस दिया है वो दिया है 120 mm। तो ये देखिए, ये हमने सबसे पहले 120 mm का मेजर एक्सिस ड्रॉ कर लिया है और इसको नेमिंग दे देंगे एज ए बी। मेजर एक्सिस 120 है और माइनर एक्सिस 60 mm है। तो ये हमने मेजर एक्सिस 120 ड्रॉ कर लिए और अब इसका हम मिड पॉइंट लेंगे, मिड पॉइंट जो कि 60 mm पे आएगा। तो ये मिड पॉइंट हमने ले लिए और अब यहाँ पे माइनर एक्सिस ड्रॉ करेंगे। माइनर एक्सिस जो कि परपेंडिकुलर होती है इसलिए हम लोग प्रोटेक्टर का यूज़ करके यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का एंगल ले लेंगे ताकि माइनर एक्सिस एग्जैक्टली परपेंडिकुलर आएगा। तो ये देखिए, ये हमने परपेंडिकुलर एंगल ले लिया है और अब यहाँ पे हम माइनर एक्सिस ड्रॉ करेंगे। 60 mm टोटल दिया है तो 30 mm ऊपर 30 mm नीचे ऐसा हम टोटल माइनर एक्सिस ड्रॉ करेंगे। इसको नेमिंग दे देंगे एज सी डी और मिड पॉइंट जो है वो ओ रहेगा। अब हमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड से हमें इसको ड्रॉ करना है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हमने AO का लेंथ कॉम्पास में ले लिए। AO जो कि मेजर एक्सिस का हाफ लेंथ है वो हमने कॉम्पास में ले लिए। O एज अ सेंटर एक पूरा एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, मेजर एक्सिस का सर्कल हम ड्रॉ करेंगे। मेजर एक्सिस का हाफ लेंथ लेके हमने मेजर एक्सिस का हाफ लेंथ AO वो लेंथ लेके हमने ये बड़ा सर्कल ड्रॉ कर लिए। ये मेजर एक्सिस का सर्कल ड्रॉ हो गया। उसी तरह से माइनर एक्सिस का सर्कल ड्रॉ करने के लिए माइनर एक्सिस का हाफ लेंथ दैट इज CO ये हम कॉम्पास में ले लेंगे। ये देखिए, ये CO का लेंथ हमने कॉम्पास में ले लेंगे और फिर से O एज अ सेंटर हम सर्कल ड्रॉ करेंगे माइनर एक्सिस का। तो जो कि ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड है इसलिए यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करके ही हमें एलिप्स ड्रॉ करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमने मेजर एक्सिस का हाफ लेंथ लेके मेजर एक्सिस का सर्कल ड्रॉ कर लिए और अब ये हम माइनर एक्सिस का हाफ लेंथ कॉम्पास में लेके O एज अ सेंटर ये हमने सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो ये माइनर एक्सिस का सर्कल बन जाएगा और अब ये दोनों सर्कल को हमें 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये दोनों सर्कल को 12 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, ये माइनर एक्सिस को ऊपर और नीचे एक्सटेंड कर लेंगे ताकि बाहर का सर्कल जो है बड़ा वाला सर्कल वो डिवाइड हो जाए। तो ये देखिए, अब हम क्या करेंगे सर्कल को 12 पार्ट में डिवाइड करने के लिए, ये देखिए हम प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे और हम 30-30 डिग्री का एंगल लेंगे। देखिए ये 30 डिग्री का पहला एंगल, देन 60 डिग्री, देन 90 डिग्री, देन 120 डिग्री और ये 150 डिग्री। देखिए हमने सिर्फ इतने एंगल लिए, 30-30 डिग्री के 5 एंगल ले लिए और अब इसका यूज़ करके हम दोनों सर्कल को डिवाइड करेंगे 12 पार्ट में। कैसे डिवाइड करेंगे ध्यान से देखिए, ये देखिए सेंटर O और वो जो फर्स्ट पार्ट था वहाँ से होते हुए ये देखिए ऐसे कट करेंगे बाहर के सर्कल को भी और अंदर के सर्कल को भी सभी तरफ। तो ये देखिए ऐसा डिवाइड हो रहा है। ये बहुत ही आसान टेक्निक है सर्कल को डिवाइड करने के लिए। और अब फिर से ये जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम सेंटर O से जॉइंट सेंटर O पे रख के ये देखिए सर्कल के ऊपर हमें उसके पार्ट्स कट करना है। लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट उसके पार्ट जो है ऐसे कट करना है। तो ये देखिए हमें 12 पार्ट में डिवाइड करना था। तो ये सबसे आसान मेथड है 12 पार्ट में डिवाइड करने के लिए। हमने प्रोटेक्टर का यूज़ करके 30-30 डिग्री के 5 एंगल ले लिए और ये देखिए ये दोनों सर्कल, बाहर का सर्कल भी डिवाइड हो चुका है और अंदर का सर्कल भी डिवाइड हो चुका है।
वैसे 12 पार्ट में डिवाइड करना ज़रूरी नहीं था। देखिए ये बड़ा सर्कल भी 12 पार्ट में डिवाइड हो गया और छोटा सर्कल भी 12 पार्ट में डिवाइड हो गया। वैसे 12 पार्ट में डिवाइड करना ज़रूरी नहीं था, आप चाहे तो इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर सकते थे। अगर आप 8 पार्ट में डिवाइड करना है तो आपको 45 डिग्री का एंगल लेके डिवाइड करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, बड़े सर्कल के पार्ट्स वर्टिकली ज्वाइन करेंगे, जितने भी पार्ट्स हैं वो वर्टिकली ज्वाइन करेंगे और छोटे सर्कल के पार्ट्स हॉरिजॉन्टली ज्वाइन करेंगे। तो अब देखते हैं कैसे बनेगा, तो देखते रहिए। तो ये देखिए, ये ऊपर नीचे का ये जो पार्ट है बड़े सर्कल का, उसको वर्टिकली ज्वाइन करना है। ये देखिए, ये ऊपर नीचे का पार्ट वर्टिकली ज्वाइन करना, तो वो हम ज्वाइन करेंगे बाय यूजिंग स्केल और वो वर्टिकल साइड को एग्जैक्टली पैरेलल आएगा। तो ये देखो, हमने वर्टिकल जो माइनर एक्सिस है उसको हमने पैरेलल ले लिए और अब हम बड़े सर्कल के पार्ट जो है वो वर्टिकली ज्वाइन कर रहे हैं। ये देखिए, बड़े सर्कल का पार्ट वर्टिकली ज्वाइन कर रहे हैं, ऊपर नीचे के जो पार्ट्स है उसको जस्ट ज्वाइन करना है। तो ये देखिए, बिल्कुल लाइन बनेगी, बड़े सर्कल के पार्ट्स वर्टिकली हम ज्वाइन कर रहे हैं। ये देखिए, ये भी ज्वाइंट हो गया और उसी तरह से लास्ट पार्ट भी हम ज्वाइन करेंगे। ऊपर नीचे के पार्ट हमें वर्टिकली ज्वाइन करना है, तो ये हमने कर लिए। तो ये बड़े सर्कल के पार्ट्स वर्टिकली ज्वाइंट हो चुके हैं और अब छोटे सर्कल के पार्ट्स हॉरिजॉन्टली ज्वाइन करना। तो ये ज्वाइन करके उसको आगे पीछे एक्सटेंड करना, उसको इधर और इधर ऐसे एक्सटेंड करना। उसी तरह से ये दोनों पार्ट्स भी ज्वाइन करके पूरा एक्सटेंड करना, ये पार्ट्स भी और ये पार्ट्स भी। तो सभी पार्ट्स को ज्वाइन करना है, तो उसके लिए हमने मेजर एक्सिस को पैरेलल सेट कर लिए क्योंकि उसी को पैरेलल आएगा सबका सब। तो ये देखिए, ये हम ज्वाइन करके पूरा आगे पीछे एक्सटेंड करेंगे, मतलब पूरी लाइंस ड्रॉ करेंगे बाहर से होते हुए अंदर तक। ये देखिए, पूरी तरह से हम उसको ज्वाइन करेंगे। छोटे सर्कल के पार्ट्स हॉरिजॉन्टली ज्वाइन करना पड़ता है और हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करना पड़ता है, तो वही हम कर रहे हैं यहाँ पे। ये बहुत ही आसान टेक्निक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड एलिप्स ड्रॉ करने के लिए। तो ये देखिए, बड़े सर्कल के पार्ट्स हमने वर्टिकली ज्वाइन किए और छोटे सर्कल के पार्ट्स हमने हॉरिजॉन्टली ज्वाइन किए। और अब ये ए सी बी डी, ये जो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस के पॉइंट्स है, यही से होते हुए हमें एलिप्स मिलेगा। तो ये देखिए, ये है फर्स्ट पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन, देन ये सेकंड पॉइंट, देन ये सी से जाएगा, देन ये नेक्स्ट पॉइंट, देन ये यहाँ पे क्रॉस हुआ, देन बी से जाएगा, देन यहाँ से, देन ये देखिए, ये सभी पॉइंट्स हम पहले मार्क कर रहे हैं। हमने सभी पॉइंट्स को मार्क कर लिया है, जितने भी क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स हैं वो सभी पॉइंट्स को हमने मार्क कर लिए और अब ये सभी को हम ज्वाइन करेंगे बाय यूजिंग फ्रेंच कर्व। तो फ्रेंच कर्व देखिए, ये फ्रेंच कर्व का यूज़ करके हम ज्वाइन करेंगे। वैसे फ्रेंच कर्व का यूज़ करना कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो फ्री हैंड ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंच कर्व से बहुत ही अच्छा और स्मूथ कर्व बनता है, इसलिए आपको फ्रेंच कर्व का यूज़ करना चाहिए। फ्री हैंड ज्वाइन करने पर अगर प्रॉपरली नहीं आता है तो आपको फ्रेंच कर्व का प्रैक्टिस करना चाहिए, कम से कम 8 से 10 प्रॉब्लम की प्रैक्टिस होना फ्रेंच कर्व की, तब आपको अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा फ्रेंच कर्व से ड्रॉ करने में। तो ये देखिए, ये हम फ्रेंच कर्व का यूज़ करके ड्रॉ कर रहे हैं एलिप्स। तो ये हम ऊपर का पार्ट हमने फ़िलहाल इतना बना लिया है और अब हम बुक को पलटा देंगे ताकि हम नीचे का पार्ट ड्रॉ कर सके। तो ये हमने बुक को पलटा के अब इधर का पार्ट ड्रॉ करेंगे। तो अब ये इधर के पॉइंट्स भी हम ज्वाइन करेंगे बाय यूजिंग फ्रेंच कर्व। प्रॉपरली सेट करना है फ्रेंच कर्व, कम से कम 3 पॉइंट्स ज्वाइन करना है फ्रेंच कर्व से जब भी आप ज्वाइन करेंगे, मिनिमम 3 पॉइंट ज्वाइन करना है। मैक्सिमम कितने भी ज्वाइन करो, चॉइस आपकी है, 2 पॉइंट ज्वाइन नहीं करना। अगर आप 2 पॉइंट ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसी के साइड में जो थर्ड पॉइंट है उसको भी आपको फ्रेंच कर्व के ऊपर सेट करना पड़ेगा, माने इनडायरेक्टली वही 3 पॉइंट्स आपको सेट करके ही कर्व ड्रॉ करना है। तो ये इस तरह से ये एलिप्स ड्रॉ हो रहा है। तो दोनों साइड ऊपर नीचे के इतना ड्रॉ हो चुका है और अब फ्रेंच कर्व के दूसरे साइड का यूज़ करके हम रिमेनिंग जो बचा कुचा जो ड्रॉ करना है वो हम ड्रॉ करेंगे। देखिए, ये जो पार्ट हम ड्रॉ कर रहे हैं अब, यही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई स्टूडेंट जो है वो इधर जब ड्रॉ करते हैं ए और बी के तरफ, तब वहाँ पे उनके कॉर्नर दिखते हैं, तो कॉर्नर दिखने को नहीं होना, अच्छे से प्रॉपर कर्व आना चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए फ्रेंच कर्व की प्रैक्टिस करो। तो एक साइड बन चुका है पूरी तरह से और अब बुक को पलटा देंगे हम और इधर का एलिप्स बनाएंगे। ये साइड में कुछ पार्ट बचा है तो ये भी हम बनाएंगे बाय यूजिंग फ्रेंच कर्व। तो ये देखिए, ये ऐसा बन रहा है। तो ये एलिप्स बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड चल रहा है, एलिप्स जो हम बना रहे हैं बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड। वैसे इसके पहले
ऑलरेडी हमने जो वीडियोस अपलोड किए थे उसमें आर्क ऑफ सर्कल मेथड भी हमने कवर किए थे, रेक्टेंगुलर मेथड यानी ऑब्लॉन्ग मेथड वो भी हमने कवर किए थे, और पैरेललोग्राम मेथड जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, पैरेललोग्राम मेथड वो भी हमने कवर किए थे। तो अब देखिए ये छोटा सा पार्ट बचा है, तो ये भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये एलिप्स जहाँ तक पूरा हो रहा है, तो ये देखिए ये बहुत ही अच्छा एक एलिप्स बन चुका है बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड। ये हमने एलिप्स ड्रॉ कर लिया है, और अब हमें यहाँ पे कहीं टेंजेंट ड्रॉ करना है एट एनी पॉइंट। तो यहाँ हमने पॉइंट M ले लिया, ये हमें ये M पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, और हमें इसको फोकस के साथ जॉइंट करना पड़ेगा। लेकिन फोकस तो यहाँ है ही नहीं, तो हम पहले तो फोकस मार्क कर लेते हैं। फोकस हमेशा मेजर एक्सिस पे होता है, फोकस तो यहाँ है ही नहीं, तो फोकस हमें मार्क करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेजर एक्सिस का हाफ लेंथ हम लोग कॉम्पास में ले लेंगे। मेजर एक्सिस का हाफ लेंथ हमने कॉम्पास में ले लिए AO, और ये हम कॉम्पास का सेंटर C पे रखेंगे, और A के तरफ पहला फोकस मार्क करेंगे। ये देखिए यहाँ ये हमने A के तरफ पहला फोकस मार्क किए, और B के तरफ सेकंड फोकस मार्क करो। फोकस को हम नेमिंग दे देंगे एज F1 F2। तो ये हमने फोकस मार्क किए। फोकस हमने क्यों मार्क किए, बिकॉज हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट जो पॉइंट पे ड्रॉ करना है वो पॉइंट फोकस से जॉइंट करना पड़ता है। तो ये हमने फोकस F1 F2 मार्क कर लिए, और अब हम क्या करेंगे, जो पॉइंट पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है उसको हम फोकस F1 और F2 से जॉइन करेंगे। ये बहुत कंपलसरी है कि आपको जो पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है वो पॉइंट आपको हमेशा फोकस से जॉइन करना है, फोकस F1 F2 से। तो ये पहले यहाँ पे फोकस नहीं दिया था, तो हमने पहले फोकस मार्क कर लिए, और अब हमने ये जॉइन कर लिए। अब देखिए ये जो आपने दो लाइंस जॉइन कर लिए, इनके बीच में जो एंगल है उनका एंगल बाइसेक्टर आपको ड्रॉ करना है। तो चलो एंगल बाइसेक्टर अब ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो आपने फोकस F1 F2 की तरफ लाइंस जॉइन किए हैं उनके बीच में जो एंगल है उनका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो कॉम्पास में हमने कितना भी लेंथ लिए, और ये F1 की तरफ ये जो लाइन है इसके ऊपर कहीं पे भी कट करो, कॉम्पास का यूज़ करके करना है। कॉम्पास में कितना भी लेंथ ले लो, F1 की तरफ वाली लाइन पे हमने कट किए, और उतना ही लेंथ F2 की तरफ वाली ये जो लाइन है इसके ऊपर भी हमें कट करना है। तो ये हमने इधर भी कट कर लिए, कितना भी लेंथ ले लो कॉम्पास में, जो आपका मन करे जितना। तो ये देखिए अब उतना ही कॉम्पास का लेंथ यहाँ पे रखिए, देखियो यहाँ पे जहाँ हमने कट किए थे वहाँ पे हमने रखे, और इधर एक आर्क बनाइए ऐसे बीच में कहीं ना कहीं एक आर्क बनाइए ऐसा। तो ये देखिए हमने आर्क बनाए, और कॉम्पास का उतना ही लेंथ अब इधर जहाँ हमने कट किए थे उसके ऊपर रखो, और ये जो हमने कट किए थे उसके ऊपर यहाँ पे एक और कट करो, उसी आर्क के ऊपर एक और कट करो। तो ये देखिए यहाँ पे दोनों आर्क जहाँ पे कट गए वो पॉइंट मार्क करो। तो ये हम पॉइंट मार्क कर लेते हैं, और ये पॉइंट M से जॉइन करेंगे, ये जो M पॉइंट है M को हम जॉइन करेंगे। तो वो जॉइन करते ही जो लाइन बनेगी वही लाइन होगी एंगल बाइसेक्टर, और वो एंगल बाइसेक्टर ही एज अ नॉर्मल होगी, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर लाइन ही नॉर्मल होती है। तो ये जो लाइन बनाए यही है एंगल बाइसेक्टर, और यही है नॉर्मल, और अब इसी के ऊपर हम परपेंडिकुलर बनाएंगे तो वो रहेगा टेंजेंट। और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हम लोग प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे, 90 डिग्री का एंगल लेंगे और टेंजेंट बनाएंगे। वैसे एलिप्स में टेंजेंट और नॉर्मल कैसे ड्रॉ करना उसका एक स्पेशल वीडियो इसके पहले हमने अपलोड किए थे, और वो वीडियो का लिंक हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से वो वीडियो डायरेक्टली देख सकते हैं कि कैसे एलिप्स में टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करना। तो ये देखिए ये एक टेंजेंट बन चुका है, टेंजेंट को एरो दे देंगे। वैसे एरो देना कंपलसरी नहीं है, चॉइस आपका है, एरो नहीं दिए तो भी चलेगा। तो ये टेंजेंट और नॉर्मल बन चुका है, टेंजेंट के ऊपर लिख लेंगे टेंजेंट, और नॉर्मल के ऊपर लिख लेंगे नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल हमेशा डार्क ड्रॉ करना है, उनका डार्कनेस वही रहेगा जो एलिप्स का है। तो टेंजेंट और नॉर्मल इस तरह से हमने लिख लिया है। तो इस तरह से जहाँ तक ये पूरा प्रॉब्लम हो चुका है, तो ये देखिए प्रॉब्लम पूरा बन चुका है। अब हम यहाँ पे डायमेंशंस लिख लेंगे, मेजर एक्सिस उसका दिया था 120 mm, तो ये हम डायमेंशन लिख रहे हैं 120 mm का उसका मेजर एक्सिस। डायमेंशंस लिखना ज़रूरी है एग्ज़ाम में, डायमेंशंस के साथ अगर आप लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और अब इसका माइनर एक्सिस 60 mm है, तो वो भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो इसका माइनर एक्सिस का लेंथ भी हम लिख रहे हैं यहाँ पे, दैट इज़ 60 mm।
तो फाइनली आज के वीडियो में जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन कुछ ये ऐसा बनेगा। क्वेश्चन में लिखा था ड्रॉ एन एलिप्स ऑफ मेजर एक्सिस 120 mm एंड माइनर एक्सिस 60 mm बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड। तो ये हमने एलिप्स बना लिए और वहाँ पे हमने टेंजेंट और नॉर्मल भी ड्रॉ कर लिए। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इसके पहले हमने जितने भी वीडियोस अपलोड किए थे उन सभी का लिंक हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसमें हमने एलिप्स, पैराबोला, साइक्लॉइड, इन्वोलूट, एपिसाइक्लॉइड, हाइपोसाइक्लॉइड, स्पाइरल ऐसे नंबर ऑफ टॉपिक्स कवर किए थे। वो सभी वीडियोज़ का लिंक हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वो सभी वीडियोज़ वहाँ से देख के वो स्टडी कर सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो आप इसे लाइक करिए। अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी ज़रूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए। कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपने अगर अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूज़फुल वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।